नमस्कार, आप देख रहे ग्लोब न्यूज झारखंड, मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर अक्षेश ने की छापेमारी। जमशेदपुर के केपीएस कदमा का संचित बना ओवरऑल चैंपियन। जमशेदपुर के बारीडी स्थित पीपुल्स एकेडमी में इंस्पायर अवार्ड आयोजित। सरायकेला जिले के सहियाओं ने बीडीओ को सौंपा मांग पत्र। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में ठंड से एक और हथनी हुई बीमार। राजनगर के सीजुलता पंचायत अंतर्गत पाटा हेसल में बिजली खंभों में लग रहा है स्ट्रीट लाइट। जमशेदपुर स्थित पोटका के टेंट में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर अक्षेश ने की छापेमारी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर जमशेदपुर अक्षेश ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गैर कंपनी इलाकों में आज अक्षेश की टीम ने औचक छापेमारी करते हुए खटाल संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे यहां वहां तथा नालियों में गायों के गोबर इत्यादि का बहाव ना करें। अक्षेश ने खटाल संचालकों को नोटिस दिए जाने की बात कही है। अक्षेश के सदस्यों द्वारा गैर कंपनी इलाकों में लगातार यह अभियान जारी रखने की बात कही गई। इन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शहर को अव्वल बनाने की दिशा में जो भी जरूरी कदम उठाना पड़ेगा उठाया जाएगा। इन्होंने स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले सभी खटाल संचालकों को नोटिस जारी करने की बात कही। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का तैयारी भी चल रहा है, जिसकी जायजा ले रहे हैं पूरी टीम के साथ। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थलों पे गाय का पालन हो रहा है और खुले में गोबर वगैरह फेंक दिया जाता है या नाली में बहा दिया जाता है, जिसकी आए दिन शिकायत सोशल मीडिया या लिखित शिकायत आती है और मोहल्ले में सभी लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके एवज पे कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोग देवनगर स्थित हम आए हुए, जैसा कि यहाँ पर बाएं साइड में देख सकते हैं, घर में काफी तंग जगह पे 12 मवेशी पाला हुआ है, जिसका गोबर नाली में खुला फेंका जा रहा है, जिससे बस्ती वालों को परेशानी हो रही है। साथ ही डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है, कचरा उठाव प्रबंधन किया जाता है। कुछ लोग जहाँ नहीं देते हैं खुले में नाली में फेंक देते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के केपीएस कदमा का संचित बना ओवरऑल चैंपियन। पिछले दिनों कोलकाता के हेरिटेज कॉलेज में संपन्न इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जमशेदपुर के कदमा स्थित केरला पब्लिक स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र संचित मुखर्जी ने परचम लहराया है और पूरे ईस्टर्न रीजन का एकलौता विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। संचित की इस उपलब्धि पर स्कूल असेंबली में उसे और उसके माता पिता को स्कूल प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल ने संचित के बेहतर भविष्य की कामना की, साथ ही उसके परिजनों और शिक्षकों के प्रति भी आभार प्रकट किया और कहा कि इस साल होने वाले CISCE में भी उसे टीम के नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। I think therefore, I mean, it's not really that one person, it's the whole system around that one person which helps in developing. जमशेदपुर के बारीडी स्थित पीपुल्स एकेडमी में इंस्पायर अवार्ड आयोजित। युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं के बीच केंद्र सरकार की ओर से इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। वैसे इस साल भी 2019-20 के लिए यह अवार्ड दिया जाना है। इसको लेकर जमशेदपुर के बारीडी स्थित पीपुल्स एकेडमी में कोल्हान के तीनों जिलों के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपने प्रतिभा का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने किया। इस दौरान जिला परिषद के उपाध्यक्ष एवं शिक्षा अधीक्षक भी मौजूद रहे, जहां तीनों जिलों के स्कूली छात्र छात्राओं की ओर 240 स्टॉल लगाए गए थे। वहीं विजय प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा, उसके बाद देश स्तर पर अपनी प्रतिभा के माध्यम से इस पुरस्कार को जीतने का मौका इन्हें मिलेगा। वहीं जिले के उपायुक्त ने छात्र छात्राओं के मॉडल की सराहना की और उनके बेहतर भविष्य की कामना की।
ये इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत सभी विद्यालयों के द्वारा इसमें प्रविष्टि भेजी जाती है और उस प्रविष्टि के आधार पर पहले प्रमंडल स्तर पर फिर राज्य स्तर पर विद्यालयों का और विद्यार्थियों का चयन होता है। इस क्रम में काफ़ी अच्छे और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में समस्याएं होती हैं उनके निराकरण को लेकर के बच्चों ने काफ़ी अच्छे मॉडल्स बनाए हैं और सजेशन दिए हैं और इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको कि हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। ये बेसिकली ये है कि बच्चे अपने आप को अलर्ट रखें और देखें कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं या जो भी कार्य हो रहे हैं उनको कैसे वो और सिंपल सरल कर सकते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोगों ने बात की। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। SGIHM Institute of Hotel Management Registered by Government of India Craft Course एवं Diploma Course Practical Class की सुविधा एवं 100% Job Placement करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, थर्ड फ्लोर DH ट्रेड सेंटर नियर राम मंदिर ऑपोजिट बंधन बैंक बिस्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। साई गुरुकुल, साई गुरुकुल जहां आपके बच्चे डांस के सभी प्रकार के फॉर्म सीख सकते हैं, सेमी क्लासिकल से लेकर वेस्टर्न तक। बच्चों के साथ मॉम और युवा भी डांस लर्न कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिम की सुविधा है, बच्चों को ड्राइंग के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी निखारने का मौका मिलता है, योगा का भी क्लास कराया जाता है, संगीत का क्लास भी करा सकते हैं अपने बच्चों को। हमारा पता CMK न्यू पैलेस प्रमथ नगर मेन रोड परसुडी जमशेदपुर। हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद। सरायकेला जिले के सहियाओं ने BDO को सौंपा मांग पत्र। सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड की जल सहियाओं ने आज कुकड़ू प्रखंड के BDO गिरिजा शंकर महतो के माध्यम से सरायकेला जिले के DC के नाम एक मांग पत्र सौंपा। वहीं जल सहियाओं ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रत्येक शौचालय के लिए मिलने वाला 75 रूपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान मकर पर्व से पहले किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि जल सहिया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। मांग पत्र सौंपे जिसमें शौचालय निर्माण के लिए जो हम लोग को 75 रुपया जो मन देने का जो वादा किया था वो नहीं मिला, इसी के बारे में हम लोग आज वीडियो साहब को ये लेटर दिए। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में ठंड से एक और हथनी हुई बीमार। सरायकेला जिले के चांडिल के दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के मालू कोचा चेक नाका में झुंड से बिछड़े हाथियों के लिए बाड़े में मायूसी छाई हुई है। यह मायूसी यहां रह रही चंपा हथनी के बीमार होकर गिरने के कारण हुई है। आपको बता दें कि एक माह पूर्व इस बाड़े में रह रही हथनी लक्ष्मी की मौत के सदमे से अभी वन विभाग के अधिकारी उबरे भी नहीं थे कि एक और हथनी अब बीमार हो चली है। हालांकि डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया जा रहा है जिसके बाद चंपा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। दरअसल पिछले 7 दिनों से चंपा ने भोजन नहीं किया था, साथ ही ठंड से उसकी तबीयत बिगड़ गई है जिसके कारण 6 जनवरी की रात को वह गिर गई, जिसके बाद क्रेन लाकर उसे उठाया गया। फिलहाल उसकी देखरेख की जा रही है। दलमा सेंचुरी में ये पर्यटकों से काफी जल्दी हिल मिल जाते हैं, ऐसे में चंपा का बीमार होना लोगों को निराश कर रहा है। 7 दिन से नहीं खा रही थी उसके चलते गिरी थी। इस बार जो गिरने का सबसे बड़ा कारण हमको समझ में आ रहा है कि ये ठंडा जो है यहाँ, चूँकि रात को टेम्परेचर बहुत नीचे हो जाता होगा, डाउन हो जाता होगा, हमको लग रहा है 2 डिग्री
तीन डिग्री इस तरह हो जाता होगा। ठंडा के चलते ये असर हुआ है हमको जहाँ तक लग रहा है। तो उस संबंध में जितनी भी दवाइयाँ हैं सब दे दी गई है और बाकी जो है दवा इसको मंगा के और कर दिया जाए। अभी ठीक है, ये ताकत काफ़ी लगा रही है इसको। मैं समझता हूँ कि यदि उठाने का प्रयास किया जाएगा तो ये अपना ताकत से खुद उठ सकती है। राजनगर की सीजुलता पंचायत अंतर्गत पाटा हेसल में बिजली खंभों में लग रहा है स्ट्रीट लाइट। बता दें कि 14 वित्त आयोग की पंचायत कोष की राशि से सभी पंचायत क्षेत्र में फेवर ब्लॉक, सोलर पंप तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत आज राजनगर के 12 सीजुलता पंचायत अंतर्गत पाटा हेसल गांव में स्ट्रीट लाइट की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पाटा हेसल के वार्ड सदस्य अजीत मंडल की निगरानी में बिजली के खंभे में लाइट लगाई गई। वार्ड सदस्य अजीत मंडल ने बताया कि स्ट्रीट लाइट लगने से गांव में रोशनी आ जाएगी, जिससे कि अंधेरों में गुजरने वाले राहगीरों को सुविधा प्राप्त होगी और गांव के हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगने से चोरी की घटना से भी निजात पाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सुजुलता पंचायत के कुल 11 गांव में जितने भी बिजली के खंभे हैं सभी में स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत पाटा हेसल गांव से हो चुकी है। ये पंचायत का योजना है। क्या है पंचायत योजना? पंचायत का फंड है, ये 14 फाइनेंस का है। मीनार है, फेवर ब्लॉक है, ये जो रोड बन रहा, फिर आपका ई है, नोल है, तो इस तरह बहुत सारा है, लेकिन अभी हम लोग 2-3 को आइटम काम कर रहे हैं। जमशेदपुर स्थित पोटका के टेंट में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। मामला पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी पोखर स्थित पूर्वी पंचायत भवन का है, जहां सिद्धू टेंट के 800 से अधिक बांस को रात्रि 3 बजे शरारती तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। इसमें मालिक का कहना है कि इस आगजनी से 1 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। मामला तो हम लोग को मालूम नहीं, रात को 3:30 बजे यहाँ पर कोई शरारती तत्व का काम होगा, जला करके भाग गया। बांस था कम से कम 800 प्लस, मतलब 1 लाख प्लस होना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे ग्लोब न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।